हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के द्वारा होस्ट किए जाने वाला क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 14 चर्चाओं में बना हुआ है। शो में अभी तक बहुत कम ही कंटेस्टेंट हैं जो 50 लाख रुपए पार कर पाए हों। यहां तक कि अभी तक इस सीजन में करोड़पति की लिस्ट में भी कोई कंटेस्टेंट शामिल नहीं हो पाया है। हालांकि कई कंटेस्टेंट लखपति जरूर बन चुके हैं। अमिताभ बच्चन के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दे पाना हर किसी के बस की बात नहीं होता है। बीते एपिसोड में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर नैनीताल के रहने वाले प्रशांत शर्मा बैठे, जो पेशे से होटल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के डीन हैं। प्रशांत शर्मा ने अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर इस एपिसोड को बहुत मजेदार बना दिया था। प्रशांत शर्मा 25 लाख रुपए जीत गए थे, लेकिन 50 लाख के सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। क्या था सवाल? प्रशांत शर्मा से 50 लाख रुपए के लिए सवाल किया गया था। इनमें से किर्गिस्तान के लिए ट्यूलिप, मिस्र के लिए कमल और यूक्रेन के लिए नारंगी क्या है? ऑप्शन दिए गए थे, पहला क्रांतियों के नाम, दूसरा राष्ट्रीय झंडे पर वस्तुएं, तीसरा राष्ट्रीय चिन्ह या फिर सत्तारूढ़ पार्टी का चिन्ह। इसका सही जवाब था क्रांतियों के नाम। देश और दुनिया के हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।